नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी स्टडी पे। आज है 21 मई। आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आपके पीसीएस बैंक ऑल वन डे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आपको पता है सभी एग्ज़ाम्स में आता है। और हम सारे न्यूज़ जितनी भी न्यूज़ बनती हैं वो सारे न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिवास नियमों को अधिसूचित किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों का निर्दिष्ट करती है। अधिवास नियमों के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल का निवास किया है या यूटी में 7 साल तक अध्ययन किया है और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है अधिवास के अनुदान के लिए पात्र होंगे। तो जो जम्मू कश्मीर ने कहा है कि वहाँ पर या तो 15 साल से रह रहा हो या उनके बच्चों ने 7 साल वहाँ पढ़ाई की हो या 10वीं या 12वीं की कोई भी एक उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो जम्मू कश्मीर की अधिवास जो भी वहाँ पर मिलता है वो उसके लिए पात्र होंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत 19 जुलाई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाउ, मेडागास्कर, ओवाम, कोरिया गणराज्य, रूस और UK कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सेवा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य की सुविधाजनक बनाना है। तो अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत की एंट्री हुई है और इसके साथ कुछ और देशों के भी एंट्री। मैसूर को मिली 5 सितारा रेटिंग। मैसूर के साथ 5 राज्य और 5 शहर और हैं। मैसूर सहित 6 शहरों को देश में कचरा मुक्त शहरों में सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग दी गई है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है इन्हें। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहरों में शामिल है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। इरकॉन इंटरनेशनल RZD इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। इरकॉन इंटरनेशनल ने राज्य में स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी के सहायक कंपनी RZD इंटरनेशनल LLC के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संयुक्त विकास के अवसरों को का पता लगाएगा। समझौता के अनुसार दोनों ही दल एक संयुक्त भारतीय रूसी कार्य समूह बनाने में सहमत हुए हैं। कर्नाटक ने किया एक इनक्यूबेटर का लॉन्च। कर्नाटक हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम HACK लॉन्च किया है। यह साइबर सेक के द्वारा कार्यान्वित किया गया है जो साइबर सुरक्षा के राज्य का उत्कृष्ट केंद्र है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्यक्रम सरकार को बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। तो अभी HACK हैक नाम से जो लॉन्च किया इंक्यूबेटर, किसने लॉन्च किया? कर्नाटक। एयर इंडिया में बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया। एयर इंडिया ने 2020 के लिए अपना बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया। यह मुख्य रूप से छात्रों को, उसके माता पिता को आसानी से एक नए लेजर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने की मदद करेगा। तो लैपटॉप खरीदने के लिए एसर ने एक शुरू किया अभियान, कौन सा? बैक टू स्कूल। तो बैक टू स्कूल किसने शुरू किया? अभी एसर ने। इस तरह लैपटॉप की कंपनी का नाम है। कोटक महिंद्रा ने 0 कॉन्टैक्ट अकाउंट लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक में एक पूर्ण कोटक 811 बचत खाता भारतीय बैंकिंग में पहला खोलने के लिए वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू KYC होगा। यह पहल जो वर्तमान में बचत खाते के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है, कोटक की डिजिटल पहल रणनीति के अनुरूप है। यह एक शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से एकीकृत, शून्य संपर्क, पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस खाता खोलना प्लस पूर्ण KYC यात्रा है। तो बिना पेपर के ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी इस खाता खोलने में। और किसने किया? वो कोटक महिंद्रा ने। TCPL ने नॉरिसको मैं पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड TCPL ने नॉरिसको बेवरेजेस लिमिटेड दोनों ही कंपनियों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। संयुक्त
उपक्रम का गठन 2010 में हुआ था, जब दोनों ने स्वास्थ्य हाइड्रेशन पेय की विकसित करने के लिए बेचने के लिए हाथ मिलाया था। नॉरिस्को बेवरेजेस लिमिटेड हाइड्रेशन ब्रांड जैसे हिमालयन मिनरल वाटर, टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस बेचता है। पंजाब ने शुरू की गई RTI हेल्पलाइन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। ये नंबर दे रखा है 9117226841000 के साथ। हेल्पलाइन सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वित को RTI प्रश्नों को बढ़ोतरी संख्या की तेजी से संबंधित करने के लिए नागरिकों सभी संदेशों को स्पष्ट करते हुए अधिक प्रभावी बना दिया है। यह लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम है। तो RTI हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया? अभी पंजाब सरकार ने। नेपाल ने एक नया मानचित्र स्वीकृत किया। नेपाल ने वित्त और सूचना मंत्री संचार मंत्री युवराज खातिवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। नए नक्शे में उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किया। जैसे इंडिया ने भी लॉन्च किया, ऐसे ही इसने किया। अभी डिस्प्यूट एरिया भी चल रहा है इसका, जो ये एरिया है काला पानी और ये बुरंग और ये दो एरिया हैं, इस पर भी डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा, नेपाल ने इसको अपने यहाँ दिखाया गया, लेकिन ये वहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ का हिस्सा है। ट्विटर पर एक नई प्रजाति की खोज। ट्विटर पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह एक प्रकार की परजीवी कवक है एंड जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोकीस पत्रिका में वर्णित किया है। इसका नाम ट्रांगलोमाइसेस ट्विटरी है। इसका नाम ट्रांगोमाइलेस ट्विटरी एक लाबोलेवेनिलेस नामक क्रम से संबंधित है। अच्छा, ये कवक है और ट्राइबोटेलेंट इसका नाम है। छोटे कवक परजीवी के जो कीटों और मिली पेड़ों से हमला करते हैं, उन्हें छोटे लार्वा की तरह दिखते हैं। ये कवक मेजबान जीवों को बाहर रखते हैं। बुंडेस लीगा फिर से शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल। जर्मनी की बुंडेस लीगा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगातार किए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग की 2019-20 में सीजन में मैच में 16 मई 2020 से शुरू हुई 2019-20 से सीजन में 16 मई 2020 से अंतिम बुंडेस लीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन एक उचित अंत तक पहुंचा है। पाकिस्तान के पत्रकार यूके अवार्ड के लिए नामांकित। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित दास सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 प्रभावशाली सिख व्यक्तित्व में के एक रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है जो विभिन्न तरीकों से लोगों को सेवा। तो ये सिख संगठन है जिस जो एक यूके अवार्ड देता है यूके पत्रकार में, उसमें किसको चुना गया? पाकिस्तान की मनमीत कौर। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया और यह परागकणों को महत्व उसके ये सारी चीज़ इसका अनुसार मधुमक्खी दिवस 20 मई को थीम क्या थी? वी एंजेंड वी एंजेंड एंग जेड है इसका थीम है वी एंग जेड। 20 मई को मधुमक्खी पालन में प्रवृत्ता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन मधुमक्खी खोज का पालन का खोज किसने की? प्रवीण एंटोना जानसा, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को एक दिवस और था, विश्व मापन विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। यह दिवस 20 मई 1857 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद के दिलाया जाता है। इसके द्वारा वजन और माप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। विश्व मापन दिवस 2020 का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। इसका विषय क्या है? इसका थीम वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। दक्षिण मध्य एशिया में रेल बोट विकसित किया। दक्षिण मध्य एशिया क्षेत्र में रेल बोट
नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल के प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वो कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर पाए। नवाचार का विकास हेमसिंह बनोट, अतिरिक्त रेल प्रबंधक हैदराबाद डिवीजन SSC उनकी टीम ने। तो किसने किया? हैदराबाद वाली दक्षिण मध्य हैदराबाद में रेल बोट। वाइस एडमिरल विनय बधवार ने एक पुरस्कार जीता। भारत की सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार ने 2019 में अलेक्जेंडर डेलरिप्पल पुरस्कार सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? अलेक्जेंडर डेलरिप्पल। उन्होंने भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंदू महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेम्पल एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर दिया जाता है। लेसोथो ने प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दे दिया। ये कहाँ के प्रधानमंत्री? लेसोथो के प्रधानमंत्री हैं। चीन ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के लड़ने के लिए चीन ने दो वर्षों में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसमें कोविड WHO विधानसभा में राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्षों तक $2 बिलियन COVID-19 प्रतिक्रिया प्रयासों को समर्थन करेगा विश्व रूप में विकासशील देशों में। WHO के नए वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान ले लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप में महामारी घोषित कर दिया था। नाबार्ड ने RRBS और को 25,500 करोड़ रुपए जारी किए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को देने के लिए 25,500 करोड़ रुपए जारी किए। RRB की सहकारी बैंकों को संवितरण विशेष पुनर्वित्त योजना 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने RRB सरकारी बैंक MFI को मंजूर दी थी। गोविंद राजलू चिंटारा नाबार्ड के अध्यक्ष, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक हैं ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति को 2 साल के लिए इन्हें चिंटला को नियुक्त किया है, मंजूर दिया। केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी KB नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड के डिप्टी MD के रूप में भी चुना गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 5% कम होगी। अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स के उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक कम होगी, जिसका यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। GDP पर वार्षिक आधार पर जनवरी मार्च की अवधि में तुलना जून तिमाही में 45% कम होगी। 20 उभयचरों की प्रजाति में गंभीर रूप से खतरे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों को एक अद्यतन चिन्हांकन सूची डाली है। इसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट और 35 को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 20 को लुप्त प्राय और 35 टोटल 35 को उसमें सूची में रखा गया है। 20 गंभीर रूप से लुप्त प्राय में उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाटों में और पूर्वी उत्तर में कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की प्रजातियाँ हैं। ये फ्रॉग है, इसकी प्रजातियाँ हैं जो भी 20 में से जो महाराष्ट्र का, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।